इंडेक्स इंडिया में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आइए एक न्यूज़ जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें मीटू का भी एक न्यूज़ है, वो भी आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर हो सके तो अंत तक देखिएगा ताकि सारे न्यूज़ आपको पता चलेगा। तो पहले आते हैं राजनीति वाला एक न्यूज़ जो है। अमर सिंह ने कहा है कि गुजरात में मोदी के रहते 14 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन सपा सरकार ने यूपी में बहुत सारे दंगे कराए। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रहने के दौरान 14 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती सपा सरकार के मुजफ्फरनगर में मुसलमान मारे जा रहे थे। तब यादव परिवार सफाई में क्या कर रहा था, महोत्सव मना रहा था। तो ऐसा अमर सिंह ने कहा है। अमर सिंह ने एक पिटीशन भी फाइल की है, अमर सिंह ने एक पिटीशन भी डाली हुई है आजम खान के खिलाफ। उन्होंने बोला कि आजम खान बोलते हैं हमारी बहू बेटियों को उनके ऊपर तेजाब डाल देना चाहिए, तो और उनकी वजह से समाज में जो है उन्माद फैलेगा, समाज जो है वो भय से भयभीत है कि आजम खान ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे हमारे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा न्यूज जो है, मौसम विभाग ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बाद अब गोवा में तूफान की आशंका जताई है। विभाग के अनुसार गोवा में 2 चक्रवर्ती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। एहतियातन प्रशासन ने आम लोगों को अगले ही कुछ दिनों तक समुद्री तट से दूर रहने को कहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आए तितली तूफान की वजह से जान और माल का नुकसान हुआ था। वहीं आज से आम आदमी पार्टी अपना डोनेशन ड्राइव शुरू करने जा रही है। इस मुहिम के तहत पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों से मिलेंगे और उन्हें पार्टी की योजना के बारे में भी बताएंगे। दूसरी एक दुख भरी न्यूज है, गुरुग्राम में जो कि पहले गुड़गांव कहा जाता, तो गुरुग्राम में जज के परिवार पर हमला किया। गनर ने गोली से घायल जज की पत्नी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं उसने उसके बेटे के सिर में 3 गोली मारी थी और खुद मार करके उसकी लाश को यानी डेड बॉडी को अंदर कार में डाल रहा था, लेकिन वह डाल नहीं पाया और वहां से भाग गया। और फिर उसी ने खुद जज को फोन करके बोला कि तुम्हारी वाइफ और बेटे को मैंने गोली मार दी है। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बाकी इस पे क्या न्यूज सामने आती है, क्या अपडेट होगा, वो भी इसके बारे में मैं बताऊंगा। पाकिस्तान ने सेना को धमकी दी है कि अगर भारत एक हमला करता है तो हम 10 सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इसको बोलते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आते हैं मीटू, जो कि बहुत ही ज्यादा चल रहा है। तो मीटू के कैंपेन में BCCI के CEO राहुल जौहरी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, CEO ने मांगा है जवाब। अब ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें आ गए हैं, नेता अभिनेता तो आ ही गए थे, पत्रकार भी आ गए थे। वहीं तनुश्री जो इसकी मतलब शुरुआत जिन्होंने किया था, उन्होंने बताया कि नाना पाटेकर समेत सेक्सुअल हैरेसमेंट के चारों आरोपियों को नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग जैसी जांच की मांग की है। अब तो यह मामला इतना बढ़ गया है कि इसमें पता नहीं कितने लोग आ गए। नाना पाटेकर आ गए इसमें, साजिद खान आ गए, आलोक नाथ आ गए, कैलाश खेर आ गए, मतलब दिन पर दिन। वही MG अकबर भी हैं जो BJP के नेता हैं, वो भी इसमें आ गए हैं। एक बार की बात है, नशे के धुत में आलोक नाथ को सड़क पर उनकी वाइफ ने घसीटा था, क्योंकि उन्होंने उनकी वजह से जो उनके दोस्त थे उनकी जान आफत में आ गई थी, लोग बता रहे हैं, ऐसी भी न्यूज आ रही है। तो संस्कारी बापू का तो पता नहीं कितना योगदान है, वो भी इसके सहभागी कलाकार बन गए हैं। कई महिलाएं और लड़कियों ने इन पे आरोप लगाए हैं कि इनका कैरेक्टर ही ऐसा है। मीटू के रिएक्शन के विकास की एक्स वाइफ ने कंगना से पूछा, मुद्दा उछल रहा है तो बोल रही हो, पहले समझौता क्यों किया था? तो रिचा की पोस्ट का जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि अगर तुम्हारे पति इतने ही अच्छे थे तो तुमने क्यों तलाक लिया था। अब आते हैं जो मीटू में ये कलौते जो मेल की बात है वो सामने आ गई, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। 2 साल पहले जब मतलब ये न्यूज आई थी, उससे पहले मतलब पहले भी आई थी लेकिन उतना लोगों ने तवज्जो नहीं दिया था, जिनका नाम है अध्ययन सुमन, शेखर सुमन के लड़के हैं। अभी उनके फादर और मदर्स भी एक TV इंटरव्यू पे अपना सफाई अब जो भी था वो सारी चीजें वो लोग बता रहे हैं। अध्ययन ने लिखा है कि मुझे कई लोग अपनी कहानी शेयर करने को कह रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने अपनी कहानी सुनाई थी तब मुझे बहुत अपमान किया गया था। यानी कि जो सक्सेस होता है उसी को कहने की आजादी होती है, ऐसा अध्ययन ने लिखा है। ट्विटर पे उन्होंने कहा कि जो लिखा है वो चीज मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। A lot of people asking me to share my Me Too story.
आई एम सॉरी बट वेन आई डिड दैट टू ईयर्स आई डिड दैट टू ईयर्स गो आई वॉज सेम ए ह्यूमिलेटेड माई पेरेंट्स हु एम लव टू द मोस्ट हैड द लिसन टू सम ऑब्सीन थिंग्स ऑन नेशनल टीवी आई वॉज क्लियरली टोल्ड दैट गाय विथ फेल्ड कैरियर डजंट अध्ययन सुमन अध्ययन सुमन का जो ट्विटर अकाउंट है वो @अध्ययन सुमन है ये 12 अक्टूबर को इन्होंने पोस्ट किया था 2018 के ये पूरी कहानी फिर मैं आपको बताता हूँ 2 साल पहले ये कहा था अध्ययन ने कि 2016 में अध्ययन ने दावा किया था कि कांगना मुझे पीटती थी जलील करती थी और काला जादू भी करती थी अध्ययन राज टूक में कांगना के साथ काम कर चुके हैं दोनों का अफेयर चला लेकिन 1 साल में ब्रेकअप हो गए इसके बाद देश के बाहर वो चले गए अध्ययन ने कहा था काइट्स का शूट चल रहा था ऋतिक ने कांगना को बर्थडे पर बुलाया मुझे भी फोन किया मैंने फूल और महंगी शैंपेन खरीदी पार्टी में हम बैठे थे तभी ऋतिक आया और कांगना तुरंत उठी और फूल और शैंपेन देकर कहा हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से उसने मुझे मिलवाया भी नहीं जाकर लोगों से बात करने लगी वो ऋतिक और उनकी पत्नी के साथ बहुत फ्रेंडली हो रही थी मैं अकेला बैठा रहा मुझे बुरा लगा एक पल में वह मुझसे प्यार जाता थी अगले पल मैं उसकी जिंदगी से बाहर रहता था फिर आई और कहा किसी एक्टर ने उसे छेड़ने की कोशिश की है मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था पर किसी के घर पर तमाशा करना गलत होता है मैंने कहा चलते हैं वह वापस गई और थोड़ी देर के बाद आकर बोली अब चलते हैं मैं उसके साथ सीढ़ियां उतर रहा था तभी वह पलटी और मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा और माँ बहन की गालियां देते हुए बोली तुम मेरे सक्सेस से जलते हो क्योंकि तुम एक असफल इंसान हो और मैं रो पड़ा क्योंकि उसका थप्पड़ इतना तेज था मैंने सोचा कि पूरा मीडिया बाहर खड़ा है मैं कैसे बाहर जा पाऊंगा मैं बच्चे की तरह रो रहा था उसकी बातें कानों में गूंज रही थी उसने कहा मैं उसे घर छोड़ दूं मैंने उससे कहा कि मैं उसे घर छोड़ दूं कार में फिर से उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको मैं रिक्शा से घर चला जाऊंगा मैं सड़क के बीच खड़ा रहा और रो रहा था उस पर चिल्ला रहा था कि तुम पागल हो वो मुझे गालियां दे रही थी मेरे फैमिली के ड्राइवर जो कि 20 साल से हैं पास आया और बोले मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो घर चलो मैं वह रात कभी नहीं भूल सकता मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने सैंडल उतारकर मुझ पर फेंकी मेरा फोन लेकर दीवार पर दे मारा अध्ययन ने कांगना पर काला जादू करने का भी आरोप लगाया था अध्ययन के अनुसार कांगना उन्हें घर बुलाया और कहा कि उसके कैरियर बेहतर चले इसके लिए पूजा करनी होगी फिर रात 12 बजे कोई पूजा करवाई और कुछ चीजें शमशान घाट में फेंकने को कही तो ये है मीटू की कहानी मर्द को भी दर्द होता है तो ये दर्द की कहानी थी अध्ययन सुमन की जो कि आपने देखा और सुना आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई अगर आपको लगता है कि ये सच में ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट करें थैंक्स फॉर द वॉचिंग हैव ए नाइस डे